Just wait. सबसे पहले आपका पर्ची रहना चाहूंगा, जानना चाहूंगा इस फिल्म के बारे में, जो फिल्म है, जो विषय है बंदा नवाज, क्या कहना चाहेंगे? और फिल्म का पोस्टर भी काफी लाजवाब है और देवेंद्र फडणवीस जी ने फिल्म का मुहूर्त किया, तो बताइए कितनी गर्व की बात है आपके लिए एज अ डायरेक्टर? बीइंग ए डायरेक्टर ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र के CM देवेंद्र फडणवीस ने इसका क्लैप दिया, तो ये बहुत ही सराहनीय है और यहाँ की गवर्नमेंट काफ़ी कोऑपरेट कर रही है। सिंस ये इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है तो इसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि जब ये सिनेमा घरों में आएगी तो काफ़ी डिफरेंट फिल्म होगी। तो अरुणा जी, जानना चाहूंगा आपको क्या विषय क्या है, क्योंकि काफी हट के ये फिल्म लग रही है, कोई आम फिल्म नहीं लग रही है, जो मसाला फिल्म होती है बॉलीवुड की, वैसे फिल्म ये लग नहीं रही है, तो क्या विषय विषय के बारे में बताइए, कास्ट के बारे में बताइए, और बताइए कि कब तक ये पर्दे पे आएगी, शूटिंग वगैरह कब शुरू होने वाली फिल्म की? जहाँ तक की सब्जेक्ट की बात है, सब्जेक्ट बहुत ही हटके है, फिल्में काफ़ी आ रही हैं इंडस्ट्री में, हर जोनर की आ रहे हैं, हर टाइप की आ रही हैं। ये मैं ये कहूँगा कि इस तरीके का सिनेमा अभी तक एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ है, और ये सिनेमा आगे चल के डेफिनेटली एक अपना मुकाम हासिल करेगी। और सब्जेक्ट में जैसे मैंने बताया, इट्स ए इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट, और इसके बारे में मैं लाइन रिवील नहीं कर सकता, क्योंकि लाइन रिवील हो गई तो स्टोरी रिवील हो गई। तो फिल्म का नाम है बंदा नवाज, तो क्या कुछ आपने दिखाने की कोशिश की, क्योंकि पोस्टर में जहाँ तक हमें देखने को मिल रहा है कि आई थिंक मुंबई नजर आ रहा है, तो क्या मुंबई के ऊपर कोई स्टोरी आपने किसी की बनाई है? डेफिनेटली फिल्म जो है मुंबई बेस्ड है, और चूंकि मुंबई वर्ल्ड का सेंटर रहा हुआ, एक ये अट्रैक्टिव सिटी रही हुई है जो दुनिया में जानी जाती है, सिंस मैंने जब बोला था इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट है, तो डेफिनेटली ये वर्ल्ड से रिलेट होती है मुंबई, तो मुंबई के इर्द गिर्द स्टोरी है इस फिल्म की। सर, फिल्म के पोस्टर में जिस तरह से दिखाया गया है कि मुस्लिम किरदार में नजर आ रहे, तो उसके बारे में बताइए, उसके बारे में थोड़ा रिवील कीजिए, क्या है वो? देखिए, किसी भी फिल्म करने के लिए एक किरदार तो हम बनाते ही हैं, बेसिकली ये रियलिटी से रिलेटेड फिल्म है, और मास फिल्म है, ये कोई एक पार्टिकुलर जोनर की फिल्म नहीं है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक इस फिल्म को एंजॉय करेंगे, और ये डेफिनेटली वर्ल्ड सिनेमा में इसका जिक्र होगा। सर जानना चाहूँगा, प्रोड्यूस कर रहे हैं फिल्म को, क्या कहना चाहेंगे, प्रोजेक्ट में ऐसा क्या खास है जो आपने निर्माण? ये मैं तो पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे अर्जुन जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। ये हमारी दूसरी फिल्म है, और इसके पहले जो है कि हमने शिवा फिल्म एंड टीवी हाउस, हमारा ये बैनर है जिसको हम लोग पिछले काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग कर रहे हैं, ये अर्जुन राज जी के साथ हमारी दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म हमने ब्लैक मार्केट करी थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस हमारा जा रहा है, जस्ट हम उसको रिलीज करने जा रहे हैं। आपका पूरा नाम और बताइए कहाँ के रहने वाले? सर, मैं शिव कुमार भारद्वाज इस प्रोडक्शन हाउस का एज अ प्रोड्यूसर हूँ, और इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा हूँ, और बंदा नवाज हमारी दूसरी मूवी होगी जो अर्जुन राज जी के साथ हम लोग कर रहे हैं, और ये मूवी बिल्कुल हटके है, और मैं बताऊं कि ये वर्ल्ड क्लास मूवी होगी जिसको हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से बनाने जा रहे हैं, और आपको ये आगे देखने को मिलेगा। सर, इसमें स्टार कास्ट कौन कौन है? स्टार कास्ट की बात करें तो अभी हम लोगों ने हेरम त्रिपाठी जी को लिया हुआ है, बाकी और भी बहुत ही अच्छे और मज़े हुए कलाकार हैं जो टाइम आने पर आपको सारे लोगों के नाम बता दिए जाएंगे, और बहुत ही जल्द आप उनको देखेंगे, हमारी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, और बहुत ही जल्द वो सारे लोगों के नाम जो है कि अर्जुन जी को अपना साइन किया, क्या देख करके आपको अच्छा लगा अर्जुन जी में करने? अर्जुन राज जी एक बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, चूँकि हम लोगों का भी एक पहला अनुभव रहा है इस तरीके के प्रोडक्शन हाउस में आने का, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कोऑपरेट किया, और जिस तरीके से हमारी पहली मूवी ब्लैक मार्केट बनी, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने कोऑपरेट किया, और जो सब्जेक्ट लेकर के आते हैं और जो इनकी थीम होती है वो मार्केट में और भी मूवी से बिल्कुल हटके होती हैं। बंदा नवाज भी एक अलग हट करके मूवी है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, सारे दर्शक इसको जो है कि बहुत ही पसंद करेंगे, और मैं यहाँ के पहले तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के मिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, उनको बहुत ही उनका जो है कि सहयोग रहा है इस मूवी के साथ, उनका सहयोग से हम लोगों ने इस मूवी का मुहूर्त किया है, और आगे इसके कुछ जो पार्ट हैं वो बनारस में शूट होंगे, और बनारस में भी चूँकि उत्तर प्रदेश का एरिया है, वहाँ के भी मुख्यमंत्री हमारे
माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका भी काफ़ी कॉपरेशन मिलेगा हम लोगों को वहाँ पे। तो इसकी पूरी जो है कि हम लोगों की प्लानिंग है सर। तो फिल्म की कहानी ऐसी क्या है कि जिस तरह से मुंबई के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी भी उसको सहयोग रहा उनका मुहूर्त में, और जिस तरह से आप बता रहे योगी जी भी सहयोग होगा, तो ऐसी क्या स्क्रिप्ट है, और जब आप देवेंद्र फडणवीस जी के पास गए इस बात के लिए कि मुहूर्त लगवाए, तो उनका क्या रिएक्शन था? इसके लिए तो काफ़ी सहयोग अर्जुन राज जी का रहा है, चूँकि हम लोगों ने मैं मुहूर्त में नहीं आ सका था, लेकिन काफ़ी अच्छा सहयोग अर्जुन राज जी का रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी अर्जुन राज जी बताएंगे सर। जहाँ तक कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री की बात है, तो हम लोगों ने एक लाइन शेयर किया था उनके पीए के साथ कि हम लोग यार कुछ इस तरीके की मूवी बना रहे हैं, और मैं चाह रहा हूँ कि इसका क्लैप मिस्टर अपने आने माननीय मुख्यमंत्री साहब करें, और उन्होंने थोड़ी सी लाइन सुनी और उन्होंने क्लैप किया, और काफ़ी कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उन्होंने भी इस अवसर पर अपना पूरा योगदान दिया और मुहूर्त में शामिल हुए। तो ये मैसेज फिल्म है या फिर एंटरटेनिंग फिल्म है? सी, आज हम अगर मैसेज फिल्म बनाते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है, बट मैसेज के साथ में अगर हम एक कमर्शियल वे में लेके जाते सिनेमा को, तो वो प्रोड्यूसर के लिए भी अच्छा है और ट्रेड के लिए भी अच्छा है। सो इट्स अ मिक्सअप, जो जर्नी है बंदा नवाज की, वो इट्स अ मिक्सअप। सर आप बताइए, सबसे पहले अपना नाम बताइए, फिल्म की बंदा नवाज में किस प्रकार से जुड़े उसके बारे में बताइए। बंदा नवाज मूवी जो है हम लोग की एक बहुत, नाम बताइए। मेरा नाम जो है कि वीरेंद्र कुमार यादव जी हैं, और बंदा नवाज मूवी जो बन रही है इसके डायरेक्टर हैं मिस्टर अर्जुन राज जी, और ये मूवी बहुत अच्छी बन रही है। इससे पहले जो मूवी हम लोग बनाए थे ब्लैक मार्केट, वो भी मूवी बहुत अच्छी है, और इस मूवी की मुहूर्त जो कि महाराष्ट्र के सीएम जी कर चुके हैं पहले ही। आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं? ही इज नॉट एक्टिंग एक्चुअली, सी ही इज अ यंग प्रोड्यूसर, द ही इज द प्रोप्राइटर ऑफ द कंपनी, बट मिस्टर शिव कुमार इज द मेन पर्सन हु टेक्स द डिसीजन, एंड ही इज जस्ट लर्निंग, ही इज इन लर्निंग प्रोसेस। जी, इसके अलावा कोई फ्यूचर आप प्रोजेक्ट है आपका कुछ? और प्रोजेक्ट है, आगे भी हम लोग प्रोजेक्ट है, और जो आपको जानकारी चाहिए हमारे डायरेक्टर साहब आपको दे देंगे जानकारी, और जो भी चाहिए आप लोगों को। अब दो फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, ये दो फिल्में प्रोड्यूस कर चुके हैं, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करते हैं इतनी कम उम्र में? दो करके इसलिए तो उम्मीद लगाए हैं। हाँ, इसके बाद हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, और ये भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अर्जुन जी, इसकी शूटिंग कहाँ कहाँ चल रही है और? देखिए, अभी तो हमने पूरा मुंबई CST जो है पूरा शूट किया है, वहाँ का ताज जो होटल है उसका पूरा एरिया, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है, और सारा एरिया हमने शूट किया है मुंबई का। फिल्म दर्शक कब तक देख सकते हैं? मैं पहले तो ये फिल्म जो है कांस फिल्म फेस्टिवल से में जाएगी, कुछ और भी फेस्टिवल्स में जाएगी, और 2019 में ये सिनेमा में होगी, सिनेमा का मुंबई हमले को भी दर्शाया गया मूवी। नो नथिंग नथिंग, इट्स नॉट लाइक दैट, नथिंग इज मेंशनड इन दिस मूवी। प्लीज फर्स्ट, ए बेटा दरवाजा बंद कर। ओके भाई, आप का मंगे थोड़ा एक बार और ले लीजिए, मैं किसी और मूड में था बता रहा था। नहीं तो विजुअल है ना, इसमें बंद कर बैनर, ठीक है? ऊपर का नहीं लेना है, बैनर मत दिखाना, नहीं दिखाना है। हेलो सिर्फ इंडिया भारत में वो दिखा। रुक जाओ मैडम, आप वहाँ बैठिए, आप इधर आओ। फिल्म के बारे में हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे। उस फिल्म का हम लोग म्यूजिक रिलीज कर चुके हैं ऑलरेडी, उसमें हमारी जो है कि पूरी यूनिट इकट्ठा हुई थी, अपिल लहरी जी ने उसका म्यूजिक लॉन्च किया हुआ था, और अक्टूबर लास्ट या नवंबर तक हम लोग इसे रिलीज करने जा रहे हैं। तो आप एज ए प्रोड्यूसर आप किस तरह की फिल्मों को ज्यादा प्रमोट करने की सोचते हैं, किस तरह के मैसेज आप लोगों के बीच में लाने की कोशिश करते हैं जिस फिल्म को आप प्रमोट, जिस फिल्म को आप प्रोड्यूस करें? हम जो भी मूवीज अभी बना रहे हैं वो तो जो स्टोरी है उसकी वो तो हमारे डायरेक्टर के द्वारा दी जाती है कि नहीं ये अच्छी एक सब्जेक्टिव मूवी है, इसको हम कर सकते हैं। अभी ब्लैक मार्केट जो हम लोगों ने बनाई है वो भी एक अच्छी और सब्जेक्टिव मूवी है, जो समाज में हो रहे अपराधों को जो है कि दिखाती है, और उस पर कैसे नियंत्रण हम पा सकते हैं जब पुलिस अपना काम करना बंद कर देती है या प्रशासन अपना काम करना बंद कर देता है, तो किस तरीके से समाज गंदगी की तरफ बढ़ता है और जो है कि भ्रष्टाचार की तरफ बढ़ता है, और फिर किस तरह से अगर प्रशासन अपना जब डंडा हाथ में उठा लेती है
तो फिर किस तरीके से समाज में बुराइयां खत्म हो जाती है, ये सारे मैसेज हम लोगों ने जो है कि उस मूवी में दिए हुए हैं। तो जब कोई भी कोई कार्य करने जाता है तो किस सोच से जाता है, तो आप एज अ प्रोड्यूसर बनने के आपके मन में ख्याल कैसे आया कि आप प्रोड्यूसर बने? ये तो एक अपना पैशन भी है कि नहीं, हाँ हम लोग इस इंडस्ट्री में काम करें, और एक अपना बैनर बनाया गया इसी पैशन को लेकर के, और समाज में जो हो रही चीज़ें हैं उसको जो है कि अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से, अपने मूवीज़ के माध्यम से हम दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, ये भी अपनी एक सोच है। बंदा नवाज की बात करें, या तो गाने कम हैं या तो हैं ही नहीं, ऐसी भी बात आई थी सामने। जी बिल्कुल, तो ऐसा क्यों किया गया? एक्चुअली ये मैं थोड़ा सा स्टोरी के बारे में तो नहीं बता सकता, लेकिन बंदा नवाज के बारे में बताया सर, तो ये मूवी जो है टेररिज्म के ऊपर है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और स्टोरी आप देखेंगे सर तो बहुत ही एक अलग टाइप की स्टोरी है, जो देखने के बाद आपको लगे कि हाँ ये एक बिग फिल्म है, एक इंटरनेशनल लेवल पे जाने वाली मूवी है, जो आप आगे आपको देखने को मिलेगा सर। तो फिल्म के किसी भी पॉइंट को आप रिवील नहीं कर रहे, कुछ बता नहीं रहे, कुछ कंट्रोवर्सी भी होगा फिल्म में? कंट्रोवर्सी ये समय के साथ हम करेंगे, मैं और हम चाहेंगे कि इसको आप लोग थोड़ा सा वेट करें और देखें, और टाइम टू टाइम हम इस पे के पर्दे जो है कि खोलते जाएंगे। थैंक यू। कम उम्र में आप दो दो फिल्म प्रोड्यूस कर चुके हैं, एक कर चुके हैं, दूसरा कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, इसके पीछे हाथ किसका है? इसके पीछे देखिए हाथ जो है कि हमारे एक बड़े भाई हैं, उनका हाथ है मिस्टर शिवजन यादव जी, और हमारे भाई हैं मिस्टर शिव कुमार भारद्वाज जी। इन दोनों लोगों ने मुझे बहुत बैकअप देते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, जिस चीज़ का आवश्यकता होता है इस चीज़ का इन दोनों लोगों ने पूरा सहयोग करते हैं, इसलिए हम आगे आकर ये सब काम कर रहे हैं। लोग हीरो बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, फ्रेम में आना चाहते हैं, लेकिन आप फिल्म के बैक में रहकर काम करना चाहते हैं, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि देखिए हम लोगों ने पहले हमारे भाई साहब ये काम कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने उनकी देख रेख में सब काम हम लोग कर रहे हैं, जो कि एक ये मूवी बहुत अच्छी मूवी बन रही है। इससे पहले हम लोगों ने एक मूवी ब्लैक मार्केट बनाई है, जिस मूवी बहुत ही अच्छी है, और ये बंदा नवाज मूवी है जिसके डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल राज जी हैं। ये भी मूवी बहुत ही अच्छी बन रही है, जो कि अभी मुंबई में शूट चल रहा है। और अभी आप लोगों ने बताया उत्तर प्रदेश में मूवी शूट करना है, तो कुछ वहाँ की संस्कृति को भी दिखाया जाएगा? अभी ये मूवी मुंबई में शूट चल रही है, इसके बाद हम लोगों ने यूपी में ये मूवी शूट करेंगे, तो वहाँ की संस्कृति भी दिखाएंगे, वहाँ का रहन सहन जो है कि। और दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर, कुछ आपके और जो आने वाली फिल्में हैं उनको लेकर? दर्शकों मैं यही कहना चाहूँगा, जो कि ये मूवी जब बनकर रेडी होगी और ये मूवी जब चलेगी तो बहुत ही अच्छी तरीके की मूवी बन के रेडी होगी। इसको हम लोगों ने बहुत ही मेहनत करके सभी लोग बनाएंगे, जो कि मेरे डायरेक्टर जो अर्जुन मिस्टर अर्जुन राज जी है, इस मूवी को बनाने के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू।